ताजमहल को लेकर शुरू हुई सियासत आज ताज नगरी आगरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। जगतगुरु परमहंस आचार्य के बाद लखनऊ बेंच में ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका दायर करने के बाद हिंदूवादियों ने पहुंचकर ताजमहल पर मिष्ठान वितरण करने की कोशिश की, जिन्हें CIFF के जवानों द्वारा बैरियर लगाकर रोक दिया गया। आपको बता दें कि ताज नगरी आगरा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ताजमहल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अयोध्या की तपस्या छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने भगवा वस्त्रों के साथ ताजमहल में प्रवेश न देने का आरोप लगाया, जिसके बाद से ही सियासत का दौर शुरू हो गया। उसके बाद अयोध्या से लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में ताजमहल के पिछले 88 सालों से बंद 22 कमरों को खुलवाने की अर्जी डाली गई। इस याचिका में याचिकाकर्ता का यह दावा है कि ताजमहल के 22 कमरों में तेजो महालय यानी शिव मंदिर होने के राज दफन है, जिन्हें खोला जाना चाहिए और जांच कर ताजमहल को तेजो महालय घोषित किया जाना चाहिए। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में याचिका दायर होने की खुशी में आज हिंदूवादी नेता ताजमहल पहुंचे और उन्होंने वहां मिष्ठान वितरण किया। हिंदूवादी नेता संजय जाट ने बताया कि जब ताजमहल पर बिरयानी और शरबत प्रसाद के रूप में बांटे जा सकते हैं तो भगवान का प्रसाद क्यों नहीं बांटा जा सकता। ताजमहल ताजमहल ना होकर तेजो महालय है। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में याचिका दायर होने पर सब साफ हो जाएगा और सदियों से ताजमहल को शिव मंदिर की लड़ाई लड़ने वालों की आखिरकार जीत होगी। ये कह रहा परमिशन दिखाइए, ये बताओ ताजमहल तेजो महालय के अंदर बिरयानी बन सकती है और यहाँ पर शरबत बट सकते हैं, सब काम हो सकता है, लेकिन ये गणेश जी का लड्डू जो हमारा पहली किरण हमें जगी है तेजो महालय के लिए, इस पर रोकना कहीं ना कहीं प्रशासन की दोहरी मानसिकता साफ दिखाई देती है। क्यों बांट रहे हैं लड्डू, क्यों बांट रहे हैं? हमारी याचिका दायर हुई है, कई बार हिंदू महासभा पदाधिकारी यहाँ पर आरती करी है, मीना देवाकर ने आरती करी है, जीतन कुशवाहा ने आरती करी है, हमारी लड़ाई है और लड़ाई का पहली किरण हम लोगों को दिखाई दी है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी अब इस मानने को तैयार हो गया है कि ये ताजमहल तेजो महालय है। और जहाँ पर एक बात कही है, एक मौलाना जो काशी का मौलाना सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का आदेश है कि वीडियोग्राफी कराइए, मौलाना कहता है वीडियोग्राफी नहीं होगी, एक बात है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती पुलिस, है ना। लेकिन हम लोगों पर मात्र दो लड्डू बांटने पर अगर प्रशासन हम लोगों के प्रति सख्त है तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, यहाँ पर अब बिरयानी बटेगी तो निश्चित तौर पर लड्डू बटने का कार्यक्रम हिंदू महासभा करेगा। पुलिस ने रोक दिया, पुलिस ने रोक दिया, क्या करेंगे जी? हम लोग जाएंगे, पुलिस ये कह रही है आप लड्डू नहीं बांट सकते, ठीक है लड्डू नहीं बांट रहे, हम दर्शन तो करेंगे अपने तेज महाराज जी, दर्शन तो कर सकते हैं ना हम लोग। इसके प्रत्युत्तर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि ताजमहल में शिव मंदिर होने की याचिका पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जो कि कई बार खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्णय लेने का अधिकार निचली अदालत को नहीं है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में तुष्टिगढ़ की राजनीति कर रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह की भूमिकाओं को तैयार किया जा रहा है। आज हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए, ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम भारत सरकार को हमने अवगत कराया है कि जो कानून है 1991 उसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 के बाद हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी धर्म स्थल है उसके स्वरूप को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक प्रकरण हमें काशी के अंदर में चल रहा है, बनारस के अंदर में जो वहाँ की जो मस्जिद है ज्ञान वापी मस्जिद है उसकी पैमाइश की जा रही है। निचली अदालत को एक कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है वो उच्चतम न्यायालय के किसी भी फैसले के अंदर में वो कार्रवाई कर सके, इसी बात को लेकर के हमने जो है डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को संबोधित किया है, उनको बताया है कि ये इस तरीके से नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम जी के निर्देश पर और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी के आदेश पर हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग उनको इस चीज़ के लिए हम लोगों ने अवगत कराया। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि शिव मंदिर है उसके खुलवाए जाएं कमरे, याचिका भी डाली है, क्या बहुत से लोग तो ताजमहल को भी तेजो महालय बता रहे हैं, बोलिए इनसे बात हो रही है। ये एक्चुअली ऐसा है, ये स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, यहाँ पे आप भी कुछ कह सकते हैं, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, हम लोग अहिंसावादी पार्टी के लोग हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें अपनी पार्टी को फॉलो करना है और मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़ाई लड़ने की और ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में महंगाई चरम पर है,
चाहे बेरोजगारी को लेकर के बात कर लीजिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लीजिएगा, कोरोना काल के अंदर में लोगों को जो है स्वास्थ्य नहीं मिला, इन सारी चीज़ों से लोगों का मन भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ऐसी कोशिशें की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है। कांग्रेस पार्टी ने समाज के हर वर्ग की आवाज़ को उठाया और उठाती है। जय हिंद। दरअसल समय समय पर हिंदुवादी नेता ताजमहल में हनुमान चालीसा और महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने का दावा करते रहे हैं। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में दायर याचिका पर अदालत का क्या फैसला आएगा यह भविष्य बताएगा, पर अब इस पूरे मामले पर सियासत अपने पूरे जोरों पर है। ताजनगरी आगरा में स्थापित ताजमहल को सियासतदान राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या के तपस्या छावनी के परमहंसाचार्य आगरा आते हैं और ताजमहल को शिव मंदिर बताकर उस पर जलाभिषेक करने की जिद करते हैं। इसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है। यहां से ताजमहल में शिव मंदिर होने का ये विवाद, जो अभी तक दफन था, दोबारा से अपना मूर्त रूप लेता है। कल एक याचिका दायर की गई, जिसके बाद याचिकाकर्ता का ये दावा है कि ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उसमें तेजो महालय यानी शिव मंदिर होने के राज दफन है, जिसके बाद हिंदूवादी नेता आज ताजमहल पहुंचते हैं और याचिका दायर करने की खुशी में मिष्ठान वितरण करते हैं। इधर कांग्रेस कमेटी के कुछ लोग जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देते हैं और ये मांग करते हैं कि हिंदूवादी नेताओं द्वारा जो मिष्ठान वितरण किया जा रहा है या ताजमहल की उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, ताजमहल ताजमहल है या तेजो महल है, इसका फैसला पूर्व में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दो याचिका पहले से दायर की गई थी जो कि खारिज की गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ताजमहल को लगातार सियासत की प्रयोगशाला के तौर पर सियासी पार्टी के नुमाइंदे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल याचिका दायर होने के बाद अब आगे का रुख अदालत का क्या होता है, इसका निर्णय क्या आता है कि ये ताजमहल है या तेजो महल है, यह अदालत का फैसला निर्भर करेगा। फिलहाल आगरा में इस पूरे मामले को लेकर आगरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ में अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।